तो हम 510 ले और 92 ले, पहले इनके फैक्टर्स करके लिखें, जो कॉमन है HCF बना लेगा और HCF के साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाकी अदर नंबर्स की तो LCM बन जाएगा। उससे एक बात और पता चलती है, HCF हमेशा LCM में इंक्लूडेड होता है, मतलब HCF से हमेशा LCM डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, 510 की तरफ चलते हैं। तो 510 जो है आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 4, 1 2 5 10, 2 5 10, अब ये 5 से जाएगा, ये 3 से भी जाएगा क्योंकि सबका सम 3 के टेबल में आ रहा है, 3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा 17, फिर 17 से जाएगा तो 1 आएगा। तो बच्चों इसके फैक्टर्स मैं लिख लेता हूँ, 2 × 3 × 5 × 17, ये हो गया इसके फैक्टर्स। अब मैंने जो है किसको फाइंड आउट किया, अभी आप देख सकते हैं मैंने फाइंड आउट किया 510 को। अब 92 के भी फैक्टर कर लेते हैं, 92 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से 2 4 जाए 2 6 जाए 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6, अभी जाएगा 23 से। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखें 2 2 एंड 23, ये आपके फैक्टर्स बन गए जिसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 23। अब जो इनमें से कॉमन है दैट इज ओनली 2, यही बस कॉमन है भाई, यही होगा आपका HCF, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ, यहाँ 23 है तो यहाँ 5 एंड 17 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जो कॉमन होता है वो HCF होता है। तो HCF यहाँ बन गया आपका 2 इन दोनों का HCF, और LCM क्या होता है बच्चों, जो कॉमन है वो तो लेना ही है, अब जो बचा वो भी लेना है, जैसे यहाँ से 2 लेना है, यहाँ से 23 लेना है, यहाँ से 3 एंड 5 भी लेना है, और यहां से 17 भी लेना पड़ेगा आपको, इन सबको, ये होगा इन सब की मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा LCM। ठीक है, HCF क्या है आपका, 2 है। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब इन दोनों का पहले तो करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो 510 एंड 92, तो 51 की मल्टीप्लाई 92 में कर लीजिए, 0 को बाद में देख लेंगे, 2 1 2 9 19 4 6 9 2 0, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा है 4 6 9 2 0। जबकि अब हमने LCM लेना है, LCM जो है हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 2 तो ये वाला, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60, यहां तक कर लेते हैं 60 × 23 × 17। ठीक है, और 6 की मल्टीप्लाई 17 में कर लो तो 102 आता है, 0 × 23, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिलेगा 23 1 जो 23 4 6 0 2 3 4 6 0। अब ये है आपका LCM। अब उसने कहा LCM इंटू HCF चाहिए, HCF है बच्चों 2, तो इसमें हम LCM इंटू HCF करेंगे तो हमें इसमें 2 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, जो कि 4 6 9 2 0 बन जाएगा, जो कि इसके इक्वल आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द मल्टीपल ऑफ देयर HCF एंड LCM। लाइक दिस यू विल फाइंड आउट एंड प्रूव दिस जो उसने पूछा है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया।